सिंपल चीला खा खा कर बोर हो गए हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपम खाना खजाना, जहां पर आपको मिलती है इजी एंड टेस्टी रेसिपीज़। तो आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल चीज़ी चीला पिज़्ज़ा। वैसे तो आप लोगों ने चीला मूंग दाल का ही खाया होगा, पर आज मैं सिर्फ बेसन से ये चीला पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। मतलब कि बेस चीले का होगा और टॉपिंग्स पिज़्ज़ा की। बहुत ही डिफरेंट और सिंपल रेसिपी है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड आई एम श्योर कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बोल में 3 बड़े चम्मच बेसन ले रही हूँ। मैं आपको 2 तरीके से चीला बनाकर दिखाऊंगी, इसलिए मैंने 3 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। वैसे आप अपनी मनचाही क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब चीला तो हमारा डिफरेंट बन ही रहा है, तो उसको थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए मैं इसमें 2 से 3 मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, चुटकी भर हींग और थोड़ा सा अजवाइन। बस अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसे मिलाती चलूँगी। इसका बैटर आपको स्मूथ ही रखना है। तो ये देखिए, हमारा स्मूथ बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए धनिया पत्ता और बस इसे मिक्स कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का पैन लिया है और इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और बस आप इस बैटर को पैन पर डालकर कुछ इस तरीके से फैला लीजिए। ये देखिए, बहुत स्मूथली स्प्रेड हो पा रहा है। फ्लेम को आप लो ही रखिएगा, अदरवाइज ये जल सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके बेस को थोड़ा सा थिक ही रखा है ताकि हम इस पर अच्छे से टॉपिंग कर सके। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत सारी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स। आपको जो भी वेजीज पसंद हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स डालने के बाद आप इसे थोड़ा सेट होने दीजिए, अदरवाइज़ ऊपर से टॉपिंग हटने लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक के बटन को फटाफट प्रेस कर दीजिए, तभी मैं आपके लिए और सिंपल एंड ईजी रेसिपीज ला पाऊँगी। अब हमारी वेजी सेट हो चुकी है, तो इसको बिल्कुल आराम से कर देंगे टर्न और दूसरी तरफ से भी पकने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका बेस वाकई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना है। तो हम इस साइड भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि ये जले ना। अब हम चीज़ी चीला पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट भी पिज़्ज़ा वाला ही आना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। यकीन मानिए, इसे डालने से इस चीले का टेस्ट दुगना हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फिर मैंने लिया है 1 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच चीज़ स्प्रेड और 1 चम्मच मेयोनीज। इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। आपको इसमें से जो भी सॉस पसंद ना हो आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट वैसा ही रहने वाला है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ग्रेटेड पनीर। आप चाहे तो पनीर क्यूब्स भी ले सकते हैं। अब आती है पिज़्ज़ा के मेन इंग्रेडिएंट की बारी, जो कि है चीज़। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ स्लाइसेस ली है। आप कोई सी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और इसे हर तरफ डाल दूंगी। मैं कॉर्नर टू कॉर्नर भी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से फ्लेवर आए। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा की जान, जो कि है ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स। ये आप ज़रूर डालिएगा, तभी आपको पिज़्ज़ा वाला फील आएगा। और मैं यहाँ पर हल्का सा ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अब बस इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक हमारी चीज़ मेल्ट ना हो जाए। जब तक ये पक रहा है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इजी और डिफरेंट रेसिपीज लाती रहती हूँ। आपको बीच बीच में इसे चेक भी करते रहना है ताकि ये चिपके ना। अगर ये चिपक रहा है तो आप इसको हल्का हल्का ऐसे करके मूव कर दीजिए। तो ये देखिए, हमारा सुपर चीज़ी चीला पिज़्ज़ा रेडी है। इसकी चीज़ बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है। आप इस डिफरेंट स्टाइल के चीले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका टेस्ट एक्चुअल में पिज़्ज़ा की तरह ही था। एक बार मैं इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, बना है ना शानदार। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरे तरीके का चीला।
अब जो चीला मैं बनाने जा रही हूँ ये सुपर इजी है, आपका जब मन चाहे इसे इजीली बना सकते हैं। तो जो मेरा बैटर बच गया था उसी में मैंने कर दिया है एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और बहुत सारी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स। अब बस इसे मिक्स कर लूँगी। ये बैटर थोड़ा थिक है तो इसकी कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए मैं यहाँ पर पानी का भी यूज़ कर रही हूँ ताकि ये पैन पर ईजीली स्प्रेड हो पाए। अब इस बैटर में हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी ऐड किया था तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब फिर से हमें पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और आपको बैटर को कुछ इस तरीके से इस पैन पर डालकर स्प्रेड कर लेना है। इस चीले की खास बात यह है कि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस लो फ्लेम पर पका लेना है। और मैंने इस बार इसके क्रस्ट को थोड़ा सा पतला ही रखा है क्योंकि मैं इसको क्रिस्पी बनाना चाहती हूँ और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अब मैं आपको इसको पकाकर डायरेक्टली करके दिखाती हूँ सर्व। तो रेडी है हमारा चीज़ चीला पिज़्ज़ा और थिन क्रस्ट वाला चीला। दोनों को ही मैंने एक ही बैटर से तैयार किया है। खाने में सुपर टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है और बच्चों का अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ का। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं या फिर चीला, और सच में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। बाकी आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा चीला पसंद आया और आप दोनों में से किसी भी तरीके का चीला ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।